अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग जय दियो कि हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो अभी यूवी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, भयंकर ठंडा हो रहा है, कान ढक रखे हैं बिल्कुल। मैंने यूवी ने भी मंकी कैप पहनी है। हाय दगड़ियो बोल दे। हाय दगड़ियो बोलना। फ्लावर दिखा दे दगड़ियों को। देखो यूवी के हाथ में फ्लावर है, ये देखो। तो अभी यूवी स्कूल जा रही है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चल फिर, इसको गोदी में उठाना हुआ मेरे को। अभी हम यहाँ बैठे हैं ऐसे। आराम से चलना। हाँ आज यूवी गोदी नहीं उठे, गोदी उठाने के लिए नहीं बोल रही अभी यूवी। अब बोलेगी, पता चल गया उसका। चल से भाग भाऊ, आगे आगे देख के चल। स्कूल चले हम। ठाओ आ जा फिर। ये देखो गोदी उठाने को बोल रही है, थक गई इतने से। आ जा आ जा आ जा आ जा। तो यूवी को स्कूल में पहुंचा के आगे में, और अब जो है मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। अपने कपड़े बचे हैं मेरे धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े हैं। मंदिर से जब मंदिर गई थी तब इतने सारे कुमर लग गए थे मेरे कपड़ों में। कल वो कुमर निकाले धूप में बैठ के मैंने सारे, अब उन कपड़ों को धोती हूँ। भाई साहब इतने कांटे लग जाते ना, कांटे कांटे कुमर कुमर बहुत ज़्यादा। फिर कल निकाले धूप में बैठ के, अब जो है मैं कपड़े धोती हूँ। कंप्यूटर जिसको सही करवाना हो आप इनसे करवा सकते हैं सही। नगड़िया देखो लंगूर। हाँ ये देखो, ये यहाँ पर है। कभी लंगूर आते हैं यहाँ पे, कभी बंदर आते हैं, कभी घुरड़ आते हैं। घुरड़ तो आते ही है नीचे वाले खेत में। बाघ भी आते हैं यहाँ। काकड़ आता है। काकड़ हाँ, बाघ भी आया था ना एक बार यहाँ नीचे। यहाँ पर आया था बाघ, बब्बर बाघ, शेर। सुअर भी आता है। सुअर भी आता है, जंगली सुअर। क्या मस्त धूप सेक रहे हैं लोग। दे तो हाय दगड़ियों। अच्छा कैमरा नहीं आया, मैं खोलती हूँ। हाँ ये नहीं है कैमरा। हाँ चल हाय दगड़ियों कर दे। हाय दगड़ियों नमस्कार, जय ज्योत बोल दे। जय स्वागत है मेरे चैनल युविका चुफाल में। तो गाइस इसने अपने मम्मी का फोन जो है भर दिया है पूरा व्लॉगिंग कर करके। ये देखो तो गाइस हमारा गिट इसमें भुना जा रहा है फॉइल पेपर में। गिट क्या होता है? इतने सारे गिट गिट है, गिट पता नहीं क्या होता है, पता ही होगा। जिसको नहीं पता है पहाड़ों में वाले। ये पकौड़ी के लिए मसाला बन रहा है। तो दगड़ियो भाभी का बन रहा है पकौड़े। पकौड़ों का बिजनेस तो असली भाभी का था, मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोला था हल्द्वानी वाले ब्लॉग में। ये पंकज के गिट पक रहे हैं, इसमें डाले थे इसने बुढ़ियाने के लिए चूल्हे में। देखते हैं पके नहीं है, पके गिट होते हैं ये गिट। ये दिखाओ ना, ये लो, ये देखो गिट कहाँ है सबसे बड़ा, ये वाला देखो गिट। गिट को हिंदी में क्या बोलते होंगे पता नहीं, पहाड़ों में देखा जाता है शायद। पके नहीं पके,
ये बन गए हैं पकौड़े। क्या हुआ? मूली के पत्तों के और प्याज, और ये नीचे में गिट पक रहा है पंकज का। खुशबू तो मस्त आ रही है ना। ये देखो, ये देखो उंगलियां, देखो कैसे चल रही है उंगलियां, देखो गाइस आजकल के बच्चों की। तब हमें सिंगाड़ पोसना भी नहीं आता था इतनी सी एज में। तो दगड़ियो भाभी पकोड़े बना रही है, मैं चटनी बनाती हूँ अब टमाटर की, और थोड़ी बहुत पुदीना वगैरह तोड़ती हूँ, टमाटर तोड़ती हूँ, फिर चटनी भी बनाती हूँ। ये टमाटर अब मैं तोड़ती हूँ, धनिया थोड़ा सा, धनिया जो है ऊपर से नहीं तोड़ना होता, क्योंकि ऊपर से ना ये बीज बनेंगे दोबारा से, ताकि हम दोबारा उगा सकें, तो नीचे वाले जो तोड़ने होते हैं खाने के लिए ना, जो नीचे में ऊपर वाले बीज के लिए रखते हैं। ये है पुदीना, पुदीना भी तोड़ते हैं फ्रेश बिल्कुल। तो दगड़िया बन गए पकौड़े, क्या बोलते हैं, मांड पी रहे हैं अभी चावल का मांड। बकरिया इनके लिए घास है, फिर भी ये यहाँ पर आ रखी है, इसका थोड़ा पेट खराब हो रखा है, तो इसलिए ये पी रहे। सारा पिला दूं ना भाभी, पैक हो गए। बाय गर्ल्स, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। कैसे सी है बकरियां, अपने में रहती है। ये देखो कैसे देख रहे हो, वो पूरा भेड़ लगता है ये वाला, वो लखा नहीं देखेगा किसी। दूध पी लिया, गुड नाइट, बाय बाय होली।